फिर भी उनको भेजा हुआ है, फिर भी पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं है। इनसे भी बात करेंगे, क्या किया वो सांस है, वो कैसे सांस है जो बहू को इतना तंग करती है, जो रहने नहीं देती बहू को, उनके घर में उनके मोहल्ले वालों ने पूछा कि वो लड़की है कैसे, कैसे परिवार की थी, कितना सुलम करती थी, फिर भी वो कहती थी मेरा घर है, मेरा घर है, घर परिवार वाले घर में चला दे बहू को, ये कोई इंसाफ नहीं हुआ की शादी की हुई है, 15 साल से बर्दाश्त कर रही है, आती है बच्चों के लिए मार भी मार रही है, फिर भी सुबह सुबह आके दारू पी के मार कूट करके भगा देता है इसको, कभी किसी के घर पे जाती है, कभी किसी के घर पे जाती है, आधी आधी रात को कहीं कहीं बिचारी गुजारती है, हमें सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए उस पर, उनके परिवार पर बिल्कुल सख्त कार्रवाई चाहिए। सिस्टर क्या क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको, क्या हुआ होगा उनके साथ, वो आग लगाई है, उसने आग लगाई है, पहले मारा होगा, फिर रोज तंग करते थे, जीजा मारता था रोज हमारे पास, रोज महीने दो महीने चक्कर आने आता जिगर पे हमारे, रोज मारता था रोज शराबी के, तो पुलिस में कंप्लेंट नहीं कराई, बहुत बार करवाई, राय सिस्टानी में भी कराई हमें, सांबा में उधर भी करवाई, वुमेन सेल में भी करवाई थी हमने पहले, फिर बेच दी थी लड़की पहले, फिर दोबारा मारा उन्होंने, अभी आई थी थोड़े दिन ऑपरेशन करवाया पत्रिका ने, शराब पीता था ऐसे मारते, तंग करते थे शराब पी के, घर में सब कुछ तोड़ फोड़ करता था, लड़ाई मारपीट के ही गाली गलोच पूरे मोहल्ले को पता रहा है, उधर क्या थे हमें सरपंच को बताया, उन्होंने सरपंच को, अभी आप क्या चाहते हैं, किस तरह की कार्रवाई, हम यही चाहते सख्त को सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, बस जला दिया, उसने जला दिया, उसको पहले मारा, बांध के मारा था, फिर उसने कपड़े को आग लगाई, फिर उसको मिट्टी करके साथ, वो अभी सीरियस है, वो अंदर है।